ओके स्टार्ट करते हैं यूपीएससी पेपर सॉल्विंग। और हम लोग 2016 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मेडिसिन मेडिसिन सैन फ्रंटियर्स ऑफन इन द न्यूज। ये वाला काफी न्यूज में था, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये कई सारी रिपोर्ट ये भी निकालता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। और 52 क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है इट इज एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय द यूएनईपी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये इन तीनों के द्वारा नहीं, ये सिर्फ यूएनईपी के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। ठीक है, ओनली। तो पहला ऑप्शन गलत है, और पहला गलत होता है तो ये गलत, ये गलत। उसके बाद उसमें दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है, तीसरा कॉमन है, यानी दूसरा पढ़ लेते हैं। कहता है कि इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्रॉइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी दुनिया भर में जो बायोडाइवर्सिटीज होती हैं, बायोडाइवर्सिटीज हैं, वहां से जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जितना भी बेनिफिट्स होता है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना इसका एक इनिशिएटिव है। तो हाँ, ये बात सही है, और ऑप्शन दो सही होते ही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है सी। 53 की तरफ चलते हैं। 53 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द रेड सैंडर्स, रेड सैंडर्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज, लाल चंदन। ठीक है, समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है इट इज अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। या दूसरा कहता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ द साउथ इंडिया। क्या लगता है, लाल चंदन पहला सही है, दूसरा गलत है। ये जो है क्या बोलता है, रेन फॉरेस्ट एरिया में नहीं आता है, कहता है डेसीडुअस में। ठीक है, पतझड़ में, क्योंकि साउथ इंडिया में हमेशा बारिश तो होती नहीं रहती है, तो रेन फॉरेस्ट होगा नहीं, डेसीडुअस। ठीक है, इसके लिए आंसर वन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। और 54 क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UNREDD प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू। तो ये लोग जो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये तीनों ही चीजें करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेजिलियंस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड पॉवर्टी रिडक्शन। इसमें ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। और 55 क्या कहता है, व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, कहता है इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस लेंडर टू अंडरस्टैंड क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। या दूसरा कहता है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू ऑफर फाइनेंशियल incentives to developing countries to reduce greenhouse gases emission and adopt eco-friendly technologies. The third one says it is an intergovernmental agreement ratified by the all member countries of the UN to reduce greenhouse gas emission to specified level by the year 2020. The fourth one says it is one of the multilateral red प्लस इनिशिएटिव होस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लेंडर्स टू अंडरस्टैंड क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। भैया तुम लोग बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन करो, लेकिन ग्रीन हाउस गैस को ध्यान में रख करके थोड़ा करो। ठीक है,
आगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ अगर हम चलते हैं, 56 क्या कहता है, 56 कहता है विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है कि FSDC इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, यह एक नीति आयोग का ऑर्गन है। दूसरा कहता है इट इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, और तीसरा कहता है इट मॉनिटर माइक्रो प्रोडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, ये नीति आयोग के अंडर में नहीं आता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ये नीति आयोग के अंडर में नहीं आता है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, इसके जो हेड होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, हाँ, एक्चुअली में ये काम करता है फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर में, मतलब यही जो है ना, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये नीति आयोग के अंडर में नहीं आता है। ऑप्शन 2 and 3 इज द सही आंसर है। आगे चलते हैं 57 की तरफ, 57 कहता है एजेंडा 21, इसके बारे में तू बताएगी ये क्या कहता है। एजेंडा 21 कहता है कि एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और दूसरा कहता है इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग 2002। ये कहा हुआ था, हाँ, रियो डी जेनेरियो में, और ये हुआ था 1992 में, ठीक है, 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो दूसरा गलत, पहला सही, ओनली वन। 58 की तरफ अगर चलते हैं तो 58 कहता है कि सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज, कहता है अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल इन बिहार, अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, या एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, या पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज, ठीक है। आगे चलते हैं 59 की तरफ, और 59 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वायरसेस कैन इन्फेक्ट, कहता है बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट्स, इन सारी चीजों को वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो भाई साइंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, वायरस कुछ भी कर सकता है। इसमें तू न्यूज में सुन रही होगी मंकी पॉक्स, बहुत खतरनाक, बहुत गंदा है, ठीक साला, कोरोना से मर जाओ चलेगा, मंकी पॉक्स नहीं होना चाहिए। चिकन पॉक्स का बड़ा भाई जैसे लगता है एकदम। द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, 60 पर है, द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ, तो इसका मतलब ये जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग था, ये कर्बिंग ऑफ द टैक्स इवेजन बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर से जो टैक्सेशन का बर्डन था उसको कम करना था, काटना था, ठीक है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। उसके बाद चलते हैं 61 की तरफ, 61 कहता है रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन वाज प्रपोज्ड टू सेट अप इन, ये भी करंट अफेयर से था, तो उस वक्त में हुआ था आंध्र प्रदेश में। 62 की तरफ चलते हैं, 62 क्या कहता है, 62 कहता है What is the purpose of the District Mineral Foundation in India? District Mineral Foundation of India का purpose क्या है? तो कहता है promoting mineral exploration activity in mineral rich district में, या promoting life interest of the person affected by mining operations, protecting the interest of persons affected by mining operations. तीसरा कहता है ऑथराइजिंग स्टेट या गवर्नमेंट्स टू इशू लाइसेंस फॉर द मिनरल्स, क्या लगता है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, फाउंडेशन मेजरली काम करता है लोगों के लिए, तो प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है,
जो जैसे कोल माइनिंग में लोग काम करते हैं तो उन्हें लंग्स का डिजीज हो जाता है, धीरे 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 धीरे, तो उससे जो पीड़ित होते हैं उनको देख रेख के लिए ये काम करना है। उसके बाद चलते हैं 63 पर, कहता है स्वयं, स्वयं इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स। तो स्वयं का क्या लक्ष्य था, तो कहता है कि प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द रूरल एरिया या प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू द यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, या तीसरा कहता है प्रमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ एडोलेसेंस गर्ल्स, या चौथा कहता है प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स फॉर फ्री। तो इसका मेन जो मोटो है स्वयं का ये है, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन फॉर फ्री। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो दिखता है यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 कहता है कि द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल वर रिलेटेड टू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल किससे रिलेटेड था, क्या सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड था, एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था, रिफॉर्म इन पोलिस एडमिनिस्ट्रेशन से था, या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रपोजल था वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, और हम देखते हैं व्हाट आर द कॉमन इन टू हिस्टोरिकल प्लेसेस एज अजंता एंड महाबलीपुरम। अजंता और महाबलीपुरम में ऐसा क्या कॉमन है, तो कहता है बोथ आर बिल्ट इन द सेम पीरियड। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अजंता और महाबलीपुरम दोनों सेम पीरियड में हो। ठीक है, ये नहीं है। बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो ये भी नहीं है। अजंता में हमको पता है कि बोधि बुद्धिज्म का अस्तित्व पाया गया है, और महाबलीपुरम में अगर हम देखते हैं तो वहां पर महाभारत के जो तत्व वगैरह है उससे रिलेटेड चीजें पाई गई है महाबलीपुरम में। ठीक है, और अजंता वगैरह देखेंगे तो गुप्ता पीरियड के टाइम में अजंता की गुफाएं वगैरह को बनते हुए समतल देखा गया कि उसके टाइम पीरियड का है, और महाबलीपुरम जो है ये नरसिंह वर्मन ने बनवाया था शायद वहां पर। ठीक है, तो इसमें लेकिन तीसरा कहता है बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, तो हाँ ये बात सही है, पत्थरों को काट कर बनाया गया है, तो 3 इज द ओनली करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 66 की तरफ। 66 क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू द बिटकॉइन समटाइम्स सीन इन द न्यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिटकॉइन आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, तो ये बिल्कुल नहीं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ऐसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है। एनी वन विथ अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनी वन एल्स विथ अ बिटकॉइन एड्रेस, ये बात सही है, जिसके पास टोकन टाइप रहता है वहां से बिटकॉइन खरीद और बेच सकता है। और तीसरा कहता है ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंट विदाउट आदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर्स, ये भी बात सही है, क्रिप्टो करेंसी का ही मतलब ये उसमें चैन इस तरीके से कि कोई किसी को पहचान नहीं सकता कि पैसा किसके पास गया और किसने भेजा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑन 2 and 3 ना, 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 67 क्या कहता है, कैसा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेटअप बाय द एपीईसी, और दूसरा कहता है द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन द शंघाई, तो ये पहला ऑप्शन गलत है, एपीईसी के द्वारा नहीं था, लेकिन ये शंघाई वाला जो है ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक वगैरह है ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ब्रिक्स। अगर चले 68 पर चलते हैं। 68 गाडगिल कमेटी के बारे में कहता है, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंजन रिपोर्ट आर सीन समटाइम इन द न्यूज, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है, ये दोनों के बारे में, गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन आर रिलेटेड टू, कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है, या गंगा एक्शन प्लान से रिलेटेड है, या लिंकिंग ऑफ रिवर से रिलेटेड है, या प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। तो गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंजन रिपोर्ट जो है
वो प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 कहता कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, और दूसरा कहता है तबेरनाकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, और तीसरा कहता है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। कहता है केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव, तो केशव चंद्र सेन जो थे वो एक दूसरे और तीसरे से रिलेटेड थे। ठीक है, टू एंड थ्री ओनली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, और 70 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। सो क्या बता सकते हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? हाँ, और इसमें कौन सा नहीं आता है? ईरान इसमें नहीं आता है। ठीक है, ईरान इसमें नहीं आता है। ठीक है, और बाकी के सारे आते हैं तो ईरान में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहता है भैया, 71 कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट सुवर्ण गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइज स्कीम। ये भी अगेन स्कीम से क्वेश्चन आया हुआ था। कहता है कि टू ब्रिंग द आइडियल गोल्ड लेइंग विथ इंडियन हाउस होल्ड इन टू द इकोनॉमी। सही बात है, जो घरों में पड़ा हुआ सोना है वो चलन में आ जाए, उसका एक प्लान ये था। दूसरा कहता है टू प्रमोट FDI इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, नहीं ऐसा कुछ इसका प्लान नहीं था। कहता है टू रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंस ऑन द गोल्ड इम्पोर्ट, ये भी बात सही है। वन एंड थ्री इज द करेक्ट आंसर। भारत के घरों का सोना अगर पास में आ जाए गवर्नमेंट के तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। कहता है कि 72 बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज इन कंटेस्ट ऑफ करंट अफेयर, अफ्रीकन यूनियन, ब्राजीलियन, यूरोपियन यूनियन या चाइना। अरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव CPC वही है, उसी को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव CPC को। ठीक है, 73 पर चलते हैं। 73 क्या कहता है, कहता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम्ड, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या एम था? तो कहता है कि ब्रिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसका यही लक्ष्य था कि जो भी छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें कम से कम 10 लाख तक का क्या दिया जाए, लोन दिया जाए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत टू बिजनेस करने के लिए लोन ले सकती है 10 लाख तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर, और 74 क्या कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया शेल गैस रिसोर्सेस फाउंड। ठीक है, शेल गैस रिसोर्सेस फाउंड, तो कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन या कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो ये तीनों ही जगहों पर तुझे गैस के रिसोर्सेस देखने को मिलेंगे। 1, 2 एंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ, और 75 क्या कहता है, 75 कहता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? फाइनेंस से रिलेटेड है तो ये आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अभी के लिए 75 लेक्चर रखते हैं, बाकी के लेक्चर हम लोग मतलब कि बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। ओके।